यू आर वर्किंग टुगेदर हियर इन ग्रीन टी। चाय को सीखना चाह रहा हूँ, फार्मिंग करना चाह रहा हूँ, सिर्फ बेचना नहीं चाह रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये जो है ना, जी जी जी, ये बेस्ट है, ये उससे भी बेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाई ग्रेड मिडल लो। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, सब मज़े में। जनाब आज हम आए हैं जापान के एक बहुत ही फेमस ग्रीन टी के फॉर्म में। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी, जो मैंने बोला था कि आपको मैं मिलवाऊंगा, जो कि बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं, उनमें से एक बिज़नेस आज हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्रीन टी का बिज़नेस। तो हमारे एक पाकिस्तानी भाई ऑलरेडी ग्रीन टी का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके साथ आज हम सवाल जवाब करेंगे कि उनका ये बिज़नेस कैसा जा रहा है, वो कैसे इस फील्ड में आए और आइंदा भी वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो आ जाए, मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त बिलाल बिंडर साहब से। ये हैं जिस तरह, ये इस बिज़नेस के ओनर हैं और ये जापान की ग्रीन टी जो है इसको यहाँ से ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इस फील्ड में आज आ गए हैं इधर, ये इनका जो फार्म है ग्रीन टी का, तो ये मुझे उधर ले के आए हैं। हम जो है बिल्कुल लाइव ये सारा देख रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द इस साइड पर ये इधर ये सब ग्रीन टी का फार्म है, और वो पीछे सामने माउंट फूजी भी नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। जी बिलाल भाई, सुनाएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी नेचुरल जगह पे ले के आए, और ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जापान की ये आपने हमें दिखाई। तो मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से इस फील्ड में हैं ऑलरेडी? तकरीबन दस साल हो गए प्रैक्टिकली, जो टी फार्मिंग है, लेकिन टी के बिजनेस में तकरीबन 12-13 साल हो गए, लेकिन फार्मिंग में 10 साल से हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपके जहन में ये कैसे आइडिया आया, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं या तो यहाँ पे गाड़ियों का काम करते हैं या कोई रेस्टोरेंट होटल फूड वगैरह का काम करते हैं ना, तो बहुत ही कम हैं जो दूसरे काम करते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ग्रीन टी का मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं पाकिस्तानी अकेले जो जापान में रहते हुए ग्रीन टी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात ही है। कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप यकदम ही एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में आ गए? असल में मेरा जो था जापान के बारे में था कि लोग बड़े अच्छे थे। अच्छा। और फार्मिंग भी जो थी वो बड़ी टोटली इनका जो तरीकाकार था करने का, ये अपने जो भी चीज़ करते अपने दिल से करते थे, तो ये चीज़ मुझे इनकी जो फार्मिंग में है वो भी नज़र आई। मैंने देखा कि ये जो दूसरे जो लोग जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं, तो ये हम लोग ज़्यादातर मजबूरी से कर रहे हैं फार्मिंग, जितने भी मैं भी हमारा ताल्लुक भी जिस तरह आपको पता ही है कि आपका भी जी जी, हम लोग भी फार्मिंग करते हैं जी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो डराते हैं कि फार्मिंग, माँ बाप भी डराते हैं कि पढ़ लो तो तुम्हें फार्मिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। सही। तो दूसरा ये कि जो चाय थी वो इस तरह में आया कि मेरे कुछ, मैं तब पढ़ाता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में था, कुछ मेरे जो एक मेरा स्टूडेंट था वो बिजनेस करना चाह रहा था, अपनी ऑनलाइन शॉप बनाना चाह रहा था, उसने मुझे बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें से वो मुझे, मैं उसको गाइड करूँगा, सिलेक्ट करूँगा बाहर के मुल्कों में कौन सी चीज़ों में फॉरेनर इंटरेस्टेड होंगे या उसकी मार्केट होगी, उसमें से एक चाय थी। सही। तो जी जी, तो आप जापान, ये जो ग्रीन टी है जापानीज ग्रीन टी, इसको यहाँ से लेके रिफाइन करके आप जापान में सेल करते हैं या कि सारी की सारी एक्सपोर्ट करते हैं? जो मेरी कंपनी थी कुछ साल जो थी उसने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की है। ठीक है। जो टारगेट था, फोकस था, वो सिर्फ एक्सपोर्ट था, क्योंकि अब तकरीबन 3-4 साल से लोकल जो मार्केट है जी जी, उसमें भी जो है ना हम लोग सही है फोकस कर रहे हैं। ये बताएं कि एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं किन किन मुल्कों में कर रहे हैं, या कि ऑलरेडी आप किन मुल्कों में कर चुके हैं? वियतनाम, साउथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में लतीविया, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया। सही। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में भी ये जापानीज ग्रीन टी की डिमांड है काफ़ी? कहाँ पे? पाकिस्तान, इंडिया में? बहुत, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में अभी जो है ना वो शुरू होगी। अच्छा। क्या अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है उधर, या इसकी अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई? वहाँ बहुत ज़्यादा जगह है अभी इसकी। जी। अभी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये इसको कौन सा हिस्सा जो होता है फ्रेश, इसका तोड़ते हैं और कैसे क्या लेके जाते हैं, आ जाएं देखते हैं कि एक पत्ता तोड़ के दिखाएंगे कौन सा हिस्सा जो होता है आप जो हार्वेस्ट करते हैं। आप ऐसा समझ लें कि ये जो है ना, जी ये बेस्ट है, ये उससे भी बेस्ट है। अच्छा।
सही सही, जितनी ये ऊपर वाली होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी है ना। बाकी कुछ कुछ जो लोग हैं वो नीचे वाले को भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट का फर्क आ जाएगा, फर्क आ जाता है। और ग्रीन टी का ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से जो छोटा पत्ता है वो ज्यादा कह लें कि कीमती है ना, ज्यादा अच्छा है उसका। वेरी गुड। लेकिन जापानीज का जो है ना वो सिर्फ बेचना मकसद नहीं होता, सही सही क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। वहाँ पे जैसे मेरे भी कुछ क्लाइंट हैं, उनको सिर्फ जापानीज चाय चाहिए, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हार्वेस्ट है। सही है, खासतौर पर जो पाउडर फॉर्म में जो चाय है, तो उससे ये होता है कि चलो हम उनकी जो प्राइसिंग है उनको मीट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी ये यहाँ से आप हार्वेस्ट करते हैं, करके अपनी कंपनी में लेके जाते हैं, वहाँ जाके अगली प्रोसेसिंग करते हैं जी। यहाँ से जो अगर हमारा क्लाइंट है वो हैंड पिक चाहता है, ठीक है ठीक है, तो हम लोग, हमारे पास लेबर जो है वो ऑलरेडी रेडी होती है, वो यहाँ आते हैं, ठीक है, हैंड पिक करा के जितना उनको वो करा लेते हैं, ठीक है। अगर को हमें बल्क ऑर्डर्स हैं कंपनी को फौरन चाहिए, तो हम लोग, हमारे पास मशीनें अवेलेबल है, ठीक है, मशीनों से हार्वेस्ट होगी, फैक्ट्री जाएगी, वहाँ पे उनको कूल डाउन करेंगे, ठीक है, ड्राई होगी। उसके बाद हमारे पास दो फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री जो है ना हमारी लूज टी जो पत्तों वाली चाय होती है जी, उसके लिए एक हमारी फैक्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाउडर फॉर्म में जो जिसको माछा टी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारी दो फैक्ट्री हैं। सही सही। अगर कोई कस्टमर आपसे रॉ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप रॉ में भी देते हैं, अगर आफ्टर प्रोसेसिंग लेना चाहता है तो आप आफ्टर प्रोसेसिंग भी उसको देते हैं। बिल्कुल, कोई यहाँ पे हम लोगों ने कभी भी जो मेडिसन है जी जी यूज नहीं किए। अच्छा, 100% वी आर सर्टिफाइड जापानीज ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यूएस ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। बहुत कम फार्म्स हैं जो इस तरह आप देख लेंगे, सिर्फ सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अब आप इसके आसपास देख लें, ये फार्म बहुत यूनिक फार्म है इसके आसपास। अगर आपके पास आप मेडिसिन यूज़ नहीं भी करते तो आपके आसपास कोई कर रहा है तो इफेक्ट होगा। आप ये देखेंगे, ये आप वुड्स देख लें, इसके जरिए आपको कोई फार्म नहीं है, उस साइड पे भी और कोई फार्मिंग हो ही नहीं रही। ऐसे ही ऐसे ही इस तरह से ये थोड़ा हमें कॉस्टली, इसको मेंटेन करना बड़ा कॉस्टली है। लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक है, इस पे आप कोई स्प्रे नहीं करते, कोई खाद नहीं डालते, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, सारी की सारी ये नेचुरल ऑर्गेनिक टी है। वेरी गुड। भी है वो भी हे जो है ना ग्रास होती है, उसको जी जी हम लोग इसकी नीचे सर्दियों में बेड पे जो डालते हैं जाने के लिए इसका बेड बना देते हैं। सही 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 सही, वही इसका जो है ना वो नेचुरली फर्टिलाइजर बन जाता है। हां सही सही, दैट्स वेरी की पॉइंट, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है 100%, तो ऐसी चीजें तो बहुत कम मिलती हैं। वेरी गुड। तो ये कोई भी यहाँ पे स्प्रे या कोई किसी किस्म की ऐसी वैसी जो है ना चीज़ नहीं डालते कि जिसकी वजह से सेहत के लिए जो नुकसान हो। बहुत ही नेचुरल तरीके से ये सारी ग्रीन टी यहाँ पे तैयार की जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन टी इनका फार्म है, समझ लें बिल्कुल ये एक अलग ही प्लेनेट ही बनाया हुआ है बिलाल भाई ने इधर। ज़बरदस्त यार, अमेजिंग, हैप्पी टू सी दिस यार। ये देखें इस साइड पर खजूरें, मैंने जापान में खजूर के ये दरख्त भी पहली दफ़ा ही देखे हैं इधर लगाए हुए हैं इन्होंने। वेरी गुड। भी ये और ऊपर जाते हैं, हाँ ये बहुत जबरदस्त ये है जी, यस यहाँ पे हम जो आउटिंग कर सकते हैं, आके बैठे हैं, अपना छोटा मोटा पिकनिक कर सकते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली आपकी आती होगी तो दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। वाओ, आपको अपनी फैसलाबाद की जो जमीन है वो याद आ गई होंगी आपको। जी जी, वहाँ पे भी बस ये देख लें, ये सिर्फ जापान है, वहाँ पे अब जो है वो चावल या गंदम लगाते होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन टी लगाई हुई है, इस तरह हमारी भी स्पेस होती थी। हाँ, चार पाइयों की कमी है, वो भी ले आएंगे। नहीं नहीं, तो जब आपने ये स्टार्ट किया, क्या आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई, आपको लगा कि यार ये मैं किसी ऐसी फील्ड में आ गया हूँ, ये बहुत मुश्किल है, मैं भी कोई ऐसा काम करूँ जैसे कि दूसरे पाकिस्तानी कर रहे हैं, मैं भी वैसा ही करूँ, क्यों मैं हट के ये कर रहा हूँ? तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में, बताएं हमें थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा जो था मुश्किल, कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली। मैं जिसको भी अगर कोई जापान में फ्यूचर में ज़ाहिर आना चाह रहा है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव जगह है, लेकिन ये जहन में रखें कि जापानीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, वो अपनी ज़ुबान को
अपने कल्चर को सबसे पहले रखते हैं, और जिसमें कोई बुराई नहीं है, ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं है, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, अपना निज़ाम है। तो बेहतर ये है कि आने से पहले आप थोड़ी सी मेहनत करके कुछ बेसिक जो है ना लैंग्वेज वो करें। तो मेरे में शुरू से ये इशू आया था, लेकिन मैंने सेल्फ लर्निंग से मैंने उसको एज अ चैलेंज ले कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैं क्योंकि अगर गाड़ियों वाड़ियों के काम में फिर भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन उनकी होती है, लेकिन इस फील्ड में क्योंकि ये फार्मर्स हैं, अपनी फैमिलियों में ही अपने सिस्टम में रहते हैं, ये बाहर बल्कि कई फार्मर्स आपको मिलेंगे उन्होंने फॉरनर को पहली दफ़ा देखा होगा। सही सही सही। तो ये मुश्किल थी, उसके अलावा अलहमदिल्ला कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। अपने बलबोते पर किया, अपना अपनी सिस्टम से किया, तो कोई इशू नहीं रहा मुझे। वेरी गुड। तो क्या आपका यही काम है या इसके अलावा आप कोई और काम भी करते हैं? मैंने 2016 तक जो है ना मैंने इसी पे फोकस रखा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने वन बाय वन अपनी प्रोडक्ट को चूज, फील्ड को चूज किया, कंपनी बनाई, उस पर मेहनत की, अपना टारगेट अचीव किया एक्सपोर्ट का। फिर उसमें 2016-17 से ना मैंने फिर जो है ना दोबारा जैसे स्मॉल मीडियम कंपनीज हैं जो बाहर जाना चाहती है, पाकिस्तान से कुछ या बाहर के मुल्कों से यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही, तो मेरी कंपनी उनको फैसिलिटेट भी करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन असामी में मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी जो मेरी सर्कल है कोविड की वजह से और जो थी मैं वो मैं अभी उसको पॉज पे हूँ, मैं नहीं कर रहा अभी। आप इधर ही ज्यादा बिजी हैं? ज्यादा इसमें। और उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, जापानीज जो कंपनीज हैं। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान से कोई जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, वो कोई अपना बिजनेस नया इस्टेब्लिश करना चाहता है जापान में, लेकिन उसका कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास उसका जो कह लें पैसा है, आसान लफ्ज़ों में कहते हैं फंड्स उसके पास हैं, लेकिन वो बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो आप बिटवीन जैपनीज कंपनी एंड दैट पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन उनके दरमियान बीइंग अ पिलर काम कर सकते हैं, करते हैं कुछ ऐसा कंसल्टेंसी उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरी हमारा जो अभी जो सर्कल है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको अभी फुली अनाउंस नहीं किया, हम लोग एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें अपनी जो कम्युनिटी है जापानीज हो या पाकिस्तानी हो उनको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फ्री कंसल्टेंसी का हमारे लॉयर उनको चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको फ़ोन पे मेल पे उनको मुहैया की जाएगी, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। हमारी तकरीबन टारगेट जो हमारा 200 कंपनीज का है। सही। तो वहाँ पे अगर उनका बिजनेस मैचिंग होती है, अगर उनका आपस में मिलता है मैच होता है, तो उनको हम लोग इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। अभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे हम लोग हमारी कंपनी उनको करती है। ठीक है, तो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं मुझे भी जो है ना यूट्यूब पे फेसबुक पे मैसेजेस और कमेंट करते रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम जापान में आना चाहते हैं और यहाँ आके बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, हमें बताएं कि कम से कम कितना हमारे पास रेवेन्यू हो कि हम जापान में जाएं और अपना जाके कुछ छोटे से छोटा भी जो बिजनेस है इनिशियल उसको स्टार्ट कर सकें, उसके लिए उनको कितने फंड्स की ज़रूरत है, कितना रेवेन्यू या कितने पैसे उनके पास होने चाहिए कम अज़ कम अगर वो जापान में आते हैं तो अपना एक छोटे से छोटा किसी भी किस्म का एक बिज़नेस सेटअप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे इसके मतलब? अगर तो जो आपके दोस्त हैं जिस तरह क्वेश्चन करता है, अगर तो वो यंग है, अगर अभी 20-25 साल से कम उम्र है, तो बेहतर यह है कि अभी आप जापान में जब आएँ, ये इट्स नॉट वेरी ईजी कम कंट्री लाइक UAE के जहाँ पे ये मसाला, अगर आपकी 25 साल से कम उम्र है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप वहाँ पे अप्लाई थोड़ी सी लैंग्वेज सीखें, यहाँ पे 1-2 साल आप यहाँ पे आके जापानीज़ को पढ़ें, ठीक है, आप सिस्टम को समझें, कोई जॉब करें पहले। जॉब तो वैसे भी वो आपको पता है स्कूल वाले करवा ही देते हैं, 2-2.5 लाख आप वैसे कमा लेते हैं, आपको किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ना करें, 1-2 साल अगर आपका लग जाएगा, आपको किसी मेरी भी किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप 1-2 साल यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी कर लेंगे, आपका सिस्टम भी समझें, उसके बाद जो अपने आपके पैसे हैं उनको आप संभाल के रखें, ठीक है, फिर आप खुद चूज करें जो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको ये नहीं है कि बिजनेस आपका जॉब्स की तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि कोई इशू है ही नहीं है कि यहाँ पे तो लोग चाहिए बिल्कुल, तो बिजनेस के लिहाज से, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम को अगर आपको समझते नहीं है, आपको पता नहीं है, आपका एक निज़ाम नहीं है, तो कभी कभी आप प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। ठीक है जी। बीइंग बिजनेसमैन हियर इन जापान, आप क्या समझते हैं कि ये ग्रीन टी के अलावा और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं
जिनमें हमारे पाकिस्तानी या साउथ एशियन जो हैं उनके लिए जो फेवरेबल हो सकते हैं या उनके लिए कुछ चांस है कि वो इन ऐसे ऐसे कामों में वो आएँ, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी अभी है, कुछ उनके लिए चांस है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो हमारे साउथ एशियंस आएँ यहाँ पे, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या जो भी, ठीक है, वो आके यहाँ पे वो वाले काम करें, वो ऐसे बिजनेस में आएँ कि उनके लिए ज़्यादा चार्मिंग है? जैसे पाकिस्तानी हैं मोस्टली गाड़ियों का ही काम करते हैं, लेकिन गाड़ियों के काम के अलावा बहुत सारे और काम हैं, तो और कौन से वाले काम हो सकते हैं जिनका हमें या आने वालों को नहीं पता होता, या ऑलरेडी जो जापान में रह रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ हैं गाड़ियों के काम के अलावा? तो आप बीइंग अ बिजनेसमैन हमें बताएं कि और कौन से ऐसे काम आपके जहन में हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? आपको जैसा पता है कि जापान में 70-80% जो मटेरियल है वो बाहर से आता है, ठीक है, अपनी सोर्सिंग नहीं है, तो कोई भी काम आपका ट्रेडिंग रिलेटेड आप करना चाहें यहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। मेरा ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड रहा है, तो मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, कुछ लोग मैंने देखा कि मीट के फूड के बिजनेस में है, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ आप करना चाहें, मैं ये तो समझ लें कि चाय की सबसे डिफिकल्ट एग्रीकल्चर में फील्ड है जिसकी बड़ी स्पेसिफिक मार्केट है, ठीक है, टाइम लगता है इसको सीखने, तो मैंने वो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी चीज़ें तो बहुत ही आसान है, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, राइस है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल, जगह भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट जगह भी प्रोवाइड करती है, आपको लीज पे भी मिल सकती है जगह, आप अपनी लेना चाहते हैं वो भी ले जापान में सारा बिल्कुल ले सकते हैं, जाहिर है आपकी वीज़ा सारी पूरी होनी चाहिए, वो तो सारी तो होनी चाहिए। बाकी जो उसके अलावा जो आप वो बोल रहे थे कि लोग जो आना चाह रहे हैं बिजनेस करने, जो 25 साल, लेकिन अगर उससे एज ज़्यादा है, ठीक है, वो ऑलरेडी दे आर मैच्योर्ड, दे हैव एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान और समवेयर एल्स, फिर वो ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनको कम से कम जो है ना समझ लें कि $50,000 उनके पास होना चाहिए, जिसमें से आई थिंक $40,000 उनको एज अ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लॉयर वगैरह अरेंज कर सकते हैं, बंदा कर सकता है बिजनेस वीज़ा के लिए उनका आ सकता है, फिर उनकी जो लॉयर फीस है आने जाने की तकरीबन $50,000 उनको जहन में रखें, कम से कम राउंड अबाउट 50,000 जो अमेरिकन डॉलर है उसकी इन्वेस्टमेंट कम अज कम जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और आप यहाँ पे आए तो आप एक छोटा सा कोई एडवेंचर क्या लें, कोई बिजनेस कोई स्टार्ट उसको करने की कोशिश कर सकते हैं लीगली तौर पे, अपना आपको ऑफिस भी चाहिए होगा, कोई रेंट पे जगह भी लेनी होगी, कोई जो लॉयर की फीसिस हो, किसी भी अगर आप अच्छे बंदे की भी जाहरी बात सर्विसेज लेंगे तो उसकी भी फीसिस वो उसमें इंक्लूड होंगी सारी। तो आपने बहुत ही डिटेल से हमें ये सारी बातें बताई हैं, तो आए इंशाल्लाह अभी हम इनके जो फैक्ट्री है जिस जगह पे मशीन्स है सारा ग्रीन टी यहाँ से पिकिंग करने के बाद जाती है प्रोसेस होती है वो भी देखते हैं। का दिन हमारा बिलाल भाई के साथ जा रहा है, तो अभी हम जो है लंच का टाइम हो गया है, तो अभी हम लंच खाने के लिए इधर अपने एक पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद हम इनकी कंपनी में जाएंगे और वहाँ जा कर देखेंगे अगला प्रोसीजर। लेट्स गो हैव अ लंच टुगेदर। आ गए जरा चाय पीने के लिए, लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू। ये तो 6 माह से मिले थे की कलम ना सरप्राइज था। जी तो जनाब अभी हम पहुंच गए हैं इनकी कंपनी में, इधर अंदर चाय की जो प्रोसेसिंग हो रही है देखते हैं कैसे मशीनों से काम होता है। तो बिलाल भाई चलें अंदर फिर। जी लेट्स गो एंड सी हाउ दे वर्क इनसाइड ग्रीन टी। सामने इनकी कंपनी की एंट्रेंस है जी, ये वाली, सामने भी ग्रीन टी नज़र आपको आ रही होगी। ये जी इनकी कंपनी के साथ खुला एरिया पड़ा हुआ है इधर, और फारग वक्त में ये यहाँ पे चहलकदमी करते हैं। इधर इनके ये ट्रक खड़े हैं छोटे छोटे, इन ट्रकों में ऐसे ही अपने जो इनके फील्ड्स हैं वहाँ से चाय लेके आते हैं और उनकी पिकिंग करके लीव्स की इन ट्रकों में, छोटे ट्रकों में ये डाल के लेके आते हैं और यहाँ कंपनी में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वाले ट्रक ये यूज़ करते हैं। ये देखें ये इनके ट्रक्स खड़े हैं, उस ट्रक में अभी सामान आया है लीव्स वगैरह, और ये बाकी अभी इधर खड़े हैं ज़बरदस्त। और ये साथ में ग्रीन टी ही लगी हुई है इधर भी, ये वाला भी जो है ये सारी ग्रीन टी लगी हुई है। कस्मासा
is Bilal Sam, very close friend and business partner here. Yeah, you are working together here in green tea fields. He's a very nice man. It's really, he even go to Pakistan. Ye kafi dafa Pakistan bhi gaye hain and he like Pakistan also, Pakistani food also. He is the one who is also owner of this green tea company. Yes. Assalamu alaikum Pakistan. Wa alaikum assalam. Thank you. You love Pakistan? Do you like Pakistan? Yeah. Thank you very much. You like Pakistani food? Yeah. You visit Pakistan already, I think? Yeah. Three times already and he really loves Pakistani food. Enjoy Pakistan travel, Pakistan people. Thank you very much. Shukriya. Shukriya. Thank you. Let's go inside. ये देखें जी कितने अच्छे इंसान हैं। इनके साथ अभी हम अंदर जाते हैं कंपनी के। यहाँ से चाय आती है इन डब्बों में डाल के ये अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे वेट होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। हमने वेट का, ये देखें, ये ऊपर गए हैं तो वो सामने 73.74.6 ये जी कंडा लगा, यहाँ पे वेट होता है, यहाँ से फिर इन पे रख के आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे इसको कूल डाउन करते हैं क्योंकि अगर चाय जब टूट के आती है तो गर्म होती है, इसलिए जो पत्ता है वो डैमेज हो जाता है। सही। यहाँ पे ये कूल करते हैं, ये देखें डाले हुए हैं। ये अभी फ्रेश है अभी, यहाँ पे कूल डाउन होगी फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है स्टेप है। सही। इसको कूल डाउन किया जा रहा है यहाँ पे। जो बाल जब टूट के आती है तो फिर इसकी जो एक साथ पत्ते जब होते हैं जी तो हीट एक क्रिएट हो जाती है। ओके, कूल डाउन करेंगे तो फिर जो है ना फ्रेश रहेंगे पत्ते। सही। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। ये सारी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, अभी ये कूलिंग डाउन हो रही है, इसका डाटा लिख के इन्होंने ये लगाया हुआ है किस टाइम डाली है, कितना कितना उसका वेट है अलग अलग मशीनों में। और अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि ग्रीन टी कैसे तैयार हो रही है। इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ये देखें यहाँ से ये यूं सीधी जाएगी नीचे से जाके उस मशीन में चले जाएगी, वो सामने वाली मशीन जो लगी हुई है उसमें। ये देखें ये यहाँ से नीचे से सामने से जा रही है। वेरी गुड। और ये आगे ये नेक्स्ट इन मशीनों में आ जाती है, वहाँ से ये देखें स्टीम हो रही है, धुआं निकल रहा है। और ये देखें इसकी चेक कर रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, खुशबू कैसी आ रही है। और ये आगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए यहाँ से चले जाती है। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्लेस पे कि आगे जाके क्या हो रहा है अंदर। सारी चैन चल रही है ऊपर। उधर से ग्रीन टी जब आती है इस कन्वेयर के ज़रिए से इस मशीन में अंदर चली जाती है, और इस मशीन से ये ऊपर से आ रही होती है और वो आके यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाती है। ये देखें अभी यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है, ये देखें ये सारी प्रोसेस होके ऐसे आ गई आगे, और यहाँ से ये आगे जा रही है नेक्स्ट। ये देखें और ये आगे आएगी, आगे से ये दोबारा इस मशीन के अंदर रिफाइन होगी, वो देखें ये। अब ये वाली मशीन चल रही है, इस मशीन में चलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ से नीचे फिर ये इसमें से होती हुई आगे प्रोसीजर में चले जाएगी। इसी तरह ये उधर से चलती है, पीछे से हम जहाँ से आए थे वहाँ से मुख्तलिफ मशीनों से मुख्तलिफ प्रोसीजर में रिफ़ाइन होती 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 आगे आती रहती है। अभी ये देखें अंदर इसके इस कटिंग नो स्मॉल पीसेस लोडिंग हाँ ओके ये देखिए अभी इसके अंदर इसकी रोलिंग हो रही है। ये जितनी भी यहाँ पे मशीनें हैं ये कस्टमाइज्ड हैं।
सही सही। इनको उस तरह प्रिपेयर की ऑर्डर मेड पे बना के, जिस तरह इंसान का हाथ मूव करेगा, जिस तरह जी जी, जो क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी हैंडमेड थी। सही सही। मशीनों को भी उसी हिसाब से कस्टमाइज करके उसी तरीके से बनाया। आप अगर उसकी मूवमेंट देखेंगे इट जस्ट लाइक लाइक अ हैंड, ह्यूमन हैंड। या ये देखें, उसको अभी चेक कर रहे हैं अंदर। प्लीज शो, ये देखिए मशीन अंदर चल रही है, उसमें से ये निकाल के दिखा रहे हैं प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रही है अंदर। ये जी बिलाल भाई अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, खुशबू अच्छी आ रही है। और ये देखें ये फाइनल प्रोडक्ट है ना, और ये आपको रोस्टिंग ये पैकिंग से पहले का जो है ना वो स्पेशल। अच्छा अच्छा, ये रोस्टिंग अगर आप इसको टच भी करेंगे यू कैन फील द हीट। ओके ओके ओके, असल इसका जो अरोमा है जब ये रोस्ट हो रही होती है फिर उसका अरोमा जो है। सही 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 सही। ये जी फाइनल प्रोडक्ट आ रही है यहाँ से बिफोर पैकिंग। जबरदस्त, इसको बोलते हैं कुकी बोलते हैं जापानीज में, आप इसको कह रहे हैं स्टिक बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें से स्टिक से मैं निकाल रही है, स्टिक की ये भी चाय में कोई भी चीज़ जो है ज़ाया नहीं होती, ठीक है। ये कुकी की जो है या जो स्टिक है ये भी एक चाय की बात, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी है, ज़्यादातर वो लोग जो कटिंग पसंद नहीं करते वो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सही 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 सही। लेकिन ये भी इससे निकल रही है क्योंकि वो हाई क्वालिटी चाय पत्ती है जी जी, स्टिक से वो निकाली जा रही है। सही सही सही। ये भी एक चाय की किस्म बिल्कुल, ये थोड़ी सी उससे लो क्वालिटी है ना, क्वालिटी है ये लो कंपनी। सही सही सही। तो इसका मतलब यह कि वो वाली जो है फर्स्ट वाली है, फर्स्ट क्वालिटी। हाँ, इधर से आके ये थोड़ी बड़ी वाली होती हैं, हार्ड स्टिक वाली वो लैदा हो जाती हैं, वो सेकंड में आ जाती हैं, और ये फिर रिफाइन क्वालिटी इधर भी आ रही है नंबर वन में। मिडल ये थी, ये सबसे हाई ग्रेड है, मिडल लो, ये तीनों कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट रखा है। ये थोड़ी सी होती है जो मोटी होती है, ठीक है ना, इसमें जो ये वाला इस तरह से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और ये वाली मिडल में है, इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन थोड़ा बड़ा लीव होता है। दिस इज़ द नंबर वन रिफाइन क्वालिटी, तो ये सबसे महंगी होती है। ये तीनों कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट, और इन तीनों को बाद में पाउडर शेप में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो पाउडर शेप में आज बाई चांस जो है सारी पैक हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। ये इसी शेप में रहती है, दूसरी जो पाउडर शेप में होती है वो सांचा, वो डिफरेंट है, वो माचा होती है। ओके, हाँ ठीक है, ये पैक हो चुकी है। सही सही। ये जो अभी पैक हुई पड़ी है ना, जो अंदर भी हमने देखी है पैक हुई हुई, वो इस शेप में नहीं है, वो पाउडर शेप में है। सही 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 सही। हाँ, ये वाली जो है ये हैंड से पिकिंग की हुई है, इसलिए इसकी क्वालिटी टोटली जो सिलेक्टेड है बहुत हाई क्वालिटी, और ये वाली जो है मशीन से पिकिंग की हुई है, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। आए हम देखते हैं जी अब जाके के इनकी पैकिंग कैसे होती है, ये सारा कुछ सारे प्रोसीजर्स के बाद गुजरने के बाद ये इनका स्टॉक रूम है, यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ आके ये ऐसे बल्क क्वांटिटी में पैक होती है, ये एक्सपोर्ट के लिए ऑलरेडी रेडी है ये। सो अमेरिका जाएगी और इंडिया, ये वाली जो टी है अमेरिका जा रही है और इंडिया जा रही है, इन दोनों के लिए। हाँ, और इधर से कुछ पड़ी है पाकिस्तान की भी पैकिंग के लिए, अभी रेडी है। इधर आइए, फाइनल प्रोडक्ट कैसे पैक हो रही है अंदर। तो
ये देखिए इसको जब हम लोग पैक करते हैं डिफरेंट 100 ग्राम ज़्यादातर 200 ग्राम तो ये पे फिर उसके बाद हम उसको वैक्यूम सही वैक्यूम पैक करेंगे वैक्यूम पैक करते हैं उसके बाद इसमें अगर हवा रहेगी तो नमी रहेगी तो हवा इसको निकल जाएगी सारी निकाल के फिर पैक करते हैं कुछ पैक हुई पड़ी है आपके पास अभी तक दिस इज दैट वैक्यूम पैक सही सही इसमें से सारी हवा निकाल दी गई है बिल्कुल वैक्यूम करके इसको पैक किया गया है ताकि ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि हवा अंदर होगी तो नमी रह जाएगी तो नमी सारी निकाल दी गई है तो ये बहुत देर तक ऐसे ही प्रिजर्व करके रखी जा सकती है थैंक यू आगे चलते हैं जी ये डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं जो दिखाना चाहते हैं जी जी जो फॉर एग्जांपल स्पेशल उनके ऑर्डर पे कुछ स्पेशल को हैंडमेड पीस को चाहिए सही सही काफ़ी किस्म की सांचा हो रही जो करो इस तरह के तो कोई ऑर्डर मेड है कि उनको इस तरह का टेस्ट कलर चाहिए तो उनको भी सही है उनको चाहिए कि उनका बैज चाहिए उनकी कंपनी का बैज चाहिए उनके नाम से आप जो उनको भेज देते हैं ना उस कंपनी के नाम से सही सही कोल्ड स्टोरेज है ये -25 हो रही है अच्छा इसमें भी कुछ हम लोग ये कोल्ड स्टोरेज है जी ये -25 है ये देख लें ये इधर इन्होंने अपना पूरा इसको स्टोरेज किया हुआ है बहुत ही ठंडी जगह पे ये सारी प्रोडक्ट रेडी है और अंदर आते ही ये खुशबू आती है चाय की ना बड़ी ज़बरदस्त सी और ये इनका कोल्ड स्टोरेज है जी यहाँ पर देख लें कितना ज़्यादा माल माशाल्लाह इन्होंने कोल्ड किया हुआ है इट्स ऑलरेडी रेडी टू एक्सपोर्ट या हाँ ये पड़ा है जी इनका सारा माल इधर ये जो है ये कोल्ड स्टोर के अंदर एक और कोल्ड स्टोरेज है वो इससे भी ज़्यादा हाँ ये देखें अंदर कोल्ड स्टोरेज में माल बिल्कुल पैक हुआ हुआ पड़ा है वही वाला डब्बों में और ये यहाँ से बस जब ऑर्डर इन्होंने टेक आउट करना है उस टाइम यहाँ से निकालेंगे और प्रोडक्ट को भेज देंगे ये देखें बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट है ऑलरेडी वेरी गुड हाई ये जो तापियोका टी है ना उसकी है ये ताइवान के लिए इन्होंने रेडी किया हुआ है तो वहाँ से उसको ये भेजेंगे ताइवान का ये ऑर्डर है उसकी कंपनी ने ऑर्डर किया है वहाँ का वेरी गुड यस लेट्स गो यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है लेट्स गो आउट चलें जी प्रोसीजर की तरफ ये देखें इधर पैकिंग हो रही है एक एक पैकेट को जो है ना वो वेट करके उसको पैक किया जा रहा है ये सारे का सारा जी बिलाल भाई का ऑर्डर है ये लगा हुआ है ये ऑलरेडी इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे बिलाल भाई कब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये दिस वीक हाँ दिस मंथ ओके ओके अभी ये कह रहे हैं ये वाली जो हम इसी महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करने वाले हैं ये सारी वेरी गुड यह जी समर ऑरेंज है ऑरेंज के जो लीव्स होते हैं ऑरेंज के सॉरी जो स्किन होती है ऑरेंज स्किन उसको ये रिमूव करते हैं उसकी ये डीप टी बनाते हैं इन्हीं मशीनों में वेरी गुड थैंक यू वेरी मच ये अभी कर रहे हैं इसको लेट्स गो इमा जाते हैं मस्का आ तो दे अभी मैं बैठा हुआ था मुझे आके बताया उन्होंने कि जी हम ये वाली भी टी बनाते हैं ऑरेंज टी इसको कहते हैं तो ये ऑरेंज की स्किन है ये देखें इन मशीनों में यूं लगाए हुए हैं जो तो ताबे थे इसका ये जी एक पीस कह रहे हैं आप खा के देखें ये देखें ये टी बन रही है इस टाइम ये बिल्कुल ड्राई हो गया है क्रिस्पी हो गया इस टाइम बड़ा मज़े का है इस तरह ट्रे लगी हैं अभी ये फ्रेश लगा दी है अभी इसको ये बंद करेंगे और डालेंगे इसके अंदर हाँ कोरे हाब हाँ ये मेडिसिन में डलने वाली हैं उनकी ये बना रहे हैं उनको ड्राई करके मेडिसिन बनाते हैं तो टोटल डिफरेंट किस्म की ये टीज बनाते हैं ड्राई करते हैं मेडिसिन वाले भी आते हैं इनके पास हर्ब्स वाले भी आते हैं ये एक फैक्ट्री है इनकी बहुत बड़ी माशाल्लाह तो उसमें ये सारे काम ये ऐसे करते हैं वेरी गुड थैंक यू वेरी मच थैंक यू रुकता इसने अरे आता है मस्त ये जो अभी हमने पीछे ऑरेंज टी देखी है ये ब्लैक टी के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो ये ऑरेंज का टेस्ट देती है उसके अंदर
तो मैंने तो वैसे ही वो स्किन खाई है ऑरेंज की, स्किन रिमूव करते हैं उसको बाद में हम ड्रायर में रख के फिर उसका जो पाउडर बनाते हैं और उसको ब्लैक टी के अंदर मिक्स करके पीते हैं और बहुत ही अच्छा अरोमा आता है ऑरेंज का उसके अंदर। अमेजिंग यार, ज़बरदस्त। ये सारी फैक्ट्री है पीछे, सारे का सारा ग्रीन टी के लीव्स हैं, कहीं डिफरेंट टीज हैं, डिफरेंट हर्ब्स हैं, कुछ मेडिसिन वाले आते हैं कंपनियों वाले इनके पास जो टी बनवा के लेके जाते हैं, मेडिसिन हर्ब्स की बनवा के ले जाते हैं जो नेचुरल मेडिसिन बनाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह काम है, बहुत बिजी काम है इनका और ये बिलाल भाई के पार्टनर हैं। वेरी गुड, मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारा कोई पाकिस्तानी भाई भी ऐसी फील्ड में है जो कि वाकई ग्रो करने वाली है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो मैं यही सोचता हूँ, यही कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे भी पाकिस्तानी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेंगे और कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे और यूनिक हो और उसमें तरक्की के चांसेस ज़्यादा हों, जिससे ना कि सिर्फ उनको फ़ायदा हो बल्कि उनके मुल्क को भी फ़ायदा हो, उनके साथ और लोग भी जुड़ें उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है जी, ये जी हमको इन्होंने ऑरेंज दिए हैं अभी, ये क्योंकि जो ऑरेंज की जो टी बनाते हैं इस तरह से ये स्किन उसकी रिमूव करते हैं, ये स्किन रिमूव करके इन ट्रेज में डाल के और उधर मशीनों में डाल लेते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो ये ऑरेंज हैं इनमें से निकाले हैं, तो इन्होंने हमें आज गिफ्ट दिए हैं ऑरेंज, ये कसमास आए और दो मोहारी का तो गजाए मास अब तसी मोते मास। हाय, नाइस टू मीट यू, ये उनका बेटा है जी। थैंक यू, बाय बाय। ये देखें जी जो कंपनी के चेयरमैन हैं माशाल्लाह से, वो मेरी जो है ना मेरे लिए जो ऑरेंज दिए हैं मुझको, तो बिलाल भाई से भी ज़्यादा ऑरेंज है उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी स्किन उनकी रिमूव की हुई है, इसको हम जाके खाएंगे आराम से फ्रिज में रख के मज़े मज़े से। ये समर ऑरेंज है, जापान में होता है ये, ऐसा ही समझ लें जैसे ग्रेप फ्रूट होता है ना, उसके साथ मिलती जुलती ही इसका जो है ना टेस्ट होता है। ये देखिए मेरी गाड़ी तक खुद उठा के ले के आए हैं वो, ये किन का गिर गया बाहर। भाई दो मोहारी का तो गुजाए मास, दो मोहारी का तो गुजाए मास, शुक्रिया शुक्रिया। He can speak little bit Urdu also because he go lots of time Pakistan. Okay, ji. So isn't it? Sugoi. Kuch cinnamon desu ka? Cinnamon. Ah, ji hai ji cinnamon. Darchini ka pauda hai ye na? यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने और ये पत्ता लेके आए, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है सिनेमन की। आई योर शोन के मास्क कौन सी बात? आई दो मोहारी का तो गजाए मास्ता, दो मोहारी। हाँ यार ये कसमास आए जो चेयरमैन है उनकी, ये मिसिज हैं यहाँ पे। योरश कौन है इसी मास, दो मोहारी का तो गजाए मास्ता, ये हमारे लिए गिफ्ट लेके आए जी फ्रेश टी की, दो मोहारी का तो गजाए मास्ता। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये था हमारा आज की ये डॉक्यूमेंट्री सारी। तो ये बिलाल भाई हैं पीछे और साथ में उनके ये पार्टनर हैं कस्मोसा जैपनीज़, दे आर वेरी नाइस पर्सन। तो इन्होंने आज हमें सारी की सारी इनकी जो फैक्ट्री है प्रोसेस वन से लेके जेड तक सारे का सारा A to Z बता दिया है। बहुत ही अच्छा सेटअप है माशाल्लाह, ये डिफरेंट काइंड की टीज़ है जो बनाते हैं, उसमें ग्रीन टीज़ भी है, हर्ब टीज़ भी है और ऑरेंज टीज़ ऑल्सो है और इवन द रोज़ टी भी है। तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इनका काम है, ये पीछे इनका ऑफिस है, हमने सारा कुछ दिखा दिया है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। अगर इसके मतलब आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात आ रही हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अनटिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।